एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित गोजनी मिलक गांव पहुंचा। लगभग 4000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 8 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान नौशाद अली के द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 1450 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में लगभग 500 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 330 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 33 हैंडपंप गांव में लगवाए गए हैं। साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर भी लगवाई गई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाली, स्कूल में मरम्मत कार्य, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 आवास का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, तालाब, कब्रिस्तान की बाउंड्री, पानी निकासी के लिए नाला व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70 आवासों के भी निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान नौशाद अली गोजनी मिलक का निवासी हूँ और जो सरकार ने धनराशि मेरे पास भेजी थी उसके मैंने विकास कार्य कराए हैं। 3 रास्ते करा दिए, चौथे रास्ते पर काम चल रहा है और इसमें अब तक 450 मीटर रास्ता कंप्लीट हो जाएगा और जो माननीय जी से प्रधानमंत्री से मेरा अनुरोध है कि गांव की सड़कें बेहद ख़राब हैं, उनसे अपील करता हूं कि वो धनराशि यहां के लिए आमंत्रित करें तो मैं विकास कार्य करा सकूं। और जो गांव में अंधेरा था उसके लिए मैंने 27 सौर ऊर्जा लगवाई है जो क्या लोगों को रास्ते में रोशनी के लिए समस्या दूर हो गई है। और माननीय प्रधान जी से, प्रधान मुख्यमंत्री से मैं भी अनुरोध करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेजें तो मैं विकास कार्य करा सकूं। और जो रास्तों में पानी भरा हुआ है उसके तक निकासी के लिए नाले का निर्माण होना चाहिए और धनराशि आएगी तो निर्माण कराऊंगा। करीब 800 मीटर नाले का इंतजाम हो सका। मैं शुभम त्यागी ग्राम गोजनी का रहने वाला हूं और मैं ये दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि बताना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को कि हमारे गांव की व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। यहाँ पर लगभग 80% रास्ते जो हैं अभी भी कच्चे हैं, लेकिन हमारे जो आदरणीय प्रधान जी हैं इन्होंने बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, लगातार कार्य प्रगति पर है, कार्य चल रहा है, लेकिन हमारे गाँव में इतना पैसा नहीं आ पा रहा है जिससे कि अभी भी हमारे गाँव की व्यवस्था सुधर सके। मैं आशा करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे गांव को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेजकर इसकी तरक्की के लिए बहुत योगदान दें। मैं उनसे आशा करता हूँ, निवेदन करता हूँ और यही आशा करता हूँ कि वहाँ उन तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी और हमारे गांव के लोगों की समस्या सुलझेगी। इसी के हमारे गाँव का विकास होगा, हमारे लोगों का विकास होगा, हमारे गाँव के बच्चे अच्छे से पढ़े लिखेंगे, तरक्की होगी गांव की और